हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फिर से आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज है ईस्टर संडे, तो आप सभी का हैप्पी ईस्टर। तो सब मन के जय यीशु खुश पास का पर्व। आज का वीडियो यह ईस्टर संडे का होने वाला है। तो बनल रहो, आज हम का करिए, का धमाल होना चाहिए। तो यह सब कुछ आज के ब्लॉग में देखे कजी मिली। और आज मैं ब्लॉग बिल्डिंग ले स्टार्ट कर ली हूँ। एक हम तो तैयार हूँ आज हूँ, एक हम कभी काम वाम है ख़त्म कर के मुझे तैयार कर जाए के है दीदी थी। तो देखिए कि दीदी ठीक कितने बजे जा सकन, एक हम तो 11 बजे के। तो बनल रहो पैच का मज़ेदार बोल। और मुंबई में तो हिंदी मिश्रा 4 बजे में है संत तेरेजा चर्च में, हमें वही ठीक जाए। तो एक हम तो निके जा, एखन डायरेक्ट हमके 4 बजे शाम के जाए के है। तो फिलहाल तो बिल्डिंग में है हम, काम हो नहीं सेवा है, जल्दी जल्दी काम के सेवा है। और चाप गिर जा तो फाइनली पूरा झोला झपटा लेके, पूरा झोला झपटा लेके मैं जा रही हूँ दीदी के पास तैयार के लिए, क्योंकि मेरे पास थोड़ा सा जगह पर कंजेस्टेड होता है, इसलिए मैं तैयार नहीं हुई हूँ। मैं जा रही हूँ दीदी के पास वहीं पे साड़ी पहनने तो के दीदी के जैसे ना होना चाहिए। ये देखिए मेरे लिए पूरा तैयारी करके रखी है, क्योंकि मेरे को पहनना नहीं आता है। चली गई। तो दीदी पूरा तैयारी करके रखे हैं, क्योंकि उनको भी पता है मैं कितनी बेवकूफ, साड़ी पहनने में पूरा कमजोर हूँ, इसलिए अभी मैं आ गई हूँ दीदी के पास। तो जल्दी से तैयार होते हैं। और मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं की हूँ, अभी साड़ी पहनना है, बस चूड़ी पहन के आई हूँ। कैसा लग रहा है मेरा चूड़ी साड़ी के साथ मैच हो रहा है? पता नहीं, बाद में दिखाऊंगी तैयार होकर। तो सबसे पहले तैयार होते हैं यू। तो जल्दी से सूट सटाक तैयार होते हैं, फिर मिलते हैं तैयार होने के बाद में। यस, तो मैं फाइनली तैयार हो गई हूँ। मेरे को ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि कैसे हेयर स्टाइल डालूं, कुछ ऐसे ही कर ली हूँ मैं फिलहाल के लिए। तो तैयार हो गई हूँ, अभी जाना है दीदी। तो तैयार हो रहे, दीदी को नहीं दिखा रही हूँ। तो अभी तो देखते हैं और क्या करते हैं, फिलहाल तो तैयार ही हो रहे हैं। तो अभी हम लोग का फोटो शूट चलेगा। सबके सुंदर सुंदर लग रहे हैं। तो दीदी मैम भी तैयार हो गए हैं हम लोग के साथ फोटो खिंचाने के लिए। हम लोग का फोटो शूट कंप्लीट हो गया। चलो हैप्पी ईस्टर। हाँ, फाइनली 1 बज गया है और हम लोग का थोड़ा फोटो शूट चल रहा था मैम के साथ भी। और दीदी अभी खाना देगी मैडम को, फिर हम लोग जाएंगे। और 1 बज गया है अभी, तो जुहू जाते जाते अपने को ना पता नहीं 2 या 2.5 बज जाएगा। और मैं ये न्यू हेयर स्टाइल की भगवान जाने कैसे लग रहा होगा, शायद मैं दीदी के पास जाके चेंज करूँगी, लेकिन अभी के लिए ऐसे ही टेम्प्रोरी ऐसे ही की। तो फाइनली हम लोग दीदी के साथ बिल्डिंग से निकल रहे हैं। तो फाइनली निकलते के साथ में टैक्सी मिल गया है और अपन जा रहे हैं। दीदी अभी कुछ बोलने के मूड में नहीं है, क्योंकि दीदी का दिमाग अभी बहुत ज़्यादा तैयार होते होते में गर्म हो गया है। तो फिलहाल तो चलते हैं इधर से, बहुत दिन के बाद जा रहे हैं। तो हम चले और यहाँ पे पूरा ब्लॉगर लोग आए हुए हैं। हम अंबानी बिल्डिंग होते हुए हम चले ग्रैंड रोड। यस, हमें नहीं देखना है, हम तो डेली देखते हैं, लेकिन आप लोग को दिखा दे रही हूँ क्योंकि बहुत दिन के बाद ना। तो हम लोग स्टेशन पहुँच गए हैं और मैं बहुत ज़्यादा, तो बाई चांस मैं साड़ी पहनती हूँ, इसलिए मेरे को बहुत दिक्कत जाता है साड़ी संभालने के लिए। लेट फॉर आइदर सब।
कूड़ेदान रखने में चलते हैं। कागज के टुकड़े और फलों की छिलके कूड़ेदान में डाले। तो मैं ये सब तो नहीं थी, लेकिन साड़ी नहीं खरीदी थी। मैं दीदी का साड़ी से ही चला रही हूँ। बड़ी दीदी होने का फायदा ना, छोटी बहन लोग ऐसे उठाती है, मेरे से सीख लेना। साड़ी पहनना रहता है पर साड़ी शॉपिंग नहीं करेगी, खरीदेगी भी नहीं, ब्लाउज भी नहीं बनवाएगी। तो मैं क्या करूँ, ये तो मेरा स्टाइल है। शुरू से मेरे को आदत हो गया है कि मैं दीदी का ही हमेशा साड़ी लेती हूँ। और इस बार उतना टाइम भी नहीं था काम काम से, इसलिए मैं साड़ी भी नहीं ली। और यहाँ का ब्लाउज मेरे को पसंद नहीं आता, पता नहीं, मैं नहीं जानती हूँ यार क्या, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगता है, इसलिए ब्लाउज नहीं सिलवाई और दीदी का साड़ी ही पहनी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कैसे लगा। और मैं बहुत मोटी हो गई, दीदी का ब्लाउज बुना आ गया है मेरे ऊपर। फाइनली ट्रेन मिल गई है और चले हम सांता क्रूज। लग रहा है कि ट्रेन ना स्लो हो गया है, पहुँच ही नहीं रहे हैं। लग रहा है 2 बज गया है, अभी जाना है जो हो, फिर वहाँ से जाना है चर्च के लिए, बहुत ज़्यादा लेट होने वाला है लग रहा है। तो दिल के यहाँ पहुँच गए हैं और दिल्ली बनाए हैं अरसा का रोटी। अरसा रोटी बहुत अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू दीदी, थैंक यू बुच्चू जी, हम लोग तो खाने बिट्टू जी को भी थैंक यू, बिट्टू भी हेल्प किया है इसमें। बिट्टू जी को भी इधर देख दो, बिट्टू जी नहीं करते हैं नहीं आ गई छुआ के नहीं अभी तो जल्दी से तैयार होएगा ना बिट्टू। चाचू लोग को जल्दी बुला रहे हैं, जल्दी आओ चाचू लोग। सुनीस नहीं मना करो तो भले हमारे दीदी मूर्ति हमके और हमारा बाबू गुहू तैयार हो जाइए। जैसे बाबू खुश पड़ा बाबू मूर्ख सुंदर दिस हो दी। हाँ पूरा एकदम मुरुक स्टाइल हमार लड्डू जानकर। तो दीदी लोग बस में जाए, सॉरी दीदी लोग लेट में जाएंगे, तो हम लोग निकल चुके हैं बाबू के साथ में जाने के लिए। तो देखते हैं वहाँ कौन कौन मिलते हैं। तो फिलहाल तो निकल चुके हैं, बस का वेट कर रहे हैं। तो फाइनली हम लोग चर्च के इधर पहुँच गए हैं, लेकिन अभी पार्क में है, नहीं जा रहे अंदर। तो हम लोग पहले आ गए हैं और बस में ही बाबू सो गया था, बहुत ज़्यादा वजन हो गया है। तो बाबू तो सो गया है, मेरे को लगा था जगे रहेगा, तो थोड़ी देर के इधर पार्क में खिलाऊंगी करके। और पता नहीं दीदी लोग कितना टाइम आ रहे हैं, दिमाग खराब। दीदी लोग आएंगे तो साथ में जाएंगे चर्च के उधर। तो फिलहाल तो मैं आ चुकी हूँ पटवर्धन पार्क में, और यहाँ पे धीरे धीरे भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो चर्च स्टार्ट हो गया है, लेकिन मैं बाबू को अकेले लेके इसलिए मैं नहीं जा रही। और देख सकते हैं अपने साइड वाले भाई बहन लोग आगे आगे तक। मेरा बिट्टू जान कितना टाइम उठेगा और जाते अपन चर्च साइड, लेकिन नहीं उठेगा लगता है, अभी अभी सोया है। तो जहाँ तक चलेगा जिले भी रस लेके।